जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अच्छा ये पुराना तरीका है ना, पहले ऐसे ही से बनाते होंगे दोनों भाई भाई। कैसा लग रहा आप दोनों को एक दूसरे से मिलके? बहुत अच्छा। ये है मेरे मम्मी जी का स्कूल, यहाँ पर मेरे मम्मी जी छोटे में पढ़ा करते थे। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते, एक लाइक कर देना। यस बिल्कुल सही बोला वंश ने। मतलब यहाँ के ना मुझे पूरी जो टिपिकल गांव वाली है ना वो पूरी फीलिंग आ रही है। ये देखिए इसका ट्रंक देख सकते हैं आप कितना बड़ा है इसका। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़। प्रियंका राज ने दी नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरी सासू माँ का असली मायका, मतलब कि जहाँ पर वो छोटे से बड़े हुए हैं, पले बड़े हुए हैं, तो मतलब जहाँ वो पढ़ा करते थे, ये हम वहाँ पर आ चुके हैं इस समय पे। आज हम जैन इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर है आज पूर्णमासी के व्रत का उद्यापन, जिसे यहाँ के लोग नजातन के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक तरह से कहे तो जैसे कि जिन्होंने काफ़ी समय से व्रत रखा हो, तो मतलब आज उस व्रत को फाइनल, मतलब उसकी पूजा की पूजा है यहाँ पे। तो इसलिए हम इतनी दूर आए हैं यहाँ पर, मतलब कि जो 5-6 सालों तक इस व्रत को रखते हैं, उसके बाद लास्ट में जब इस व्रत को उद्यापन करना होता है, तो आज वो दिन है यहाँ पर। तो वैसे आजकल मैं देख रही हूँ कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मैक्सिमम लोग जितने भी व्रत हैं उनका उद्यापन चला हुआ है। तो अच्छा लग रहा है ये नया कल्चर देख के, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बस अभी चलते हैं नीचे और सबसे थोड़ी पूरी छोटी छोटी बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे रानी मासी जी, मासी जी हेलो कर दो एक बार। हेलो, क्या बना रहे हैं आप अपने देसी चूल्हे में? चावल बना रही हूँ। अच्छा ये पुराना तरीका है ना, पहले ऐसे ही से बनाते होंगे। तो आज हमें यहाँ गांव में आके हमें सारी चीजें देखने को मिल रही है ना मासी जी? जी। इसमें क्या बनाया आपने? इसमें पानी है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ठीक है मासी जी। और ये यहाँ पर एक मंडप लगा हुआ है जहाँ पर आज पूरी रात भर हवन होगा। तो बस अभी यहाँ पर तैयारियाँ ही चली हुई है क्योंकि ये फंक्शन बस आज से शुरू है और कल इसकी धाम है। तो बस अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या प्रिपरेशन हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे भी तैयारियाँ चली हुई है सारी। ये हमारे नाना जी और ये भी है मेरे नाना ससुर जी, आप भी कर दो नाना जी। दोनों भाई भाई। कैसा लग रहा आप दोनों को एक दूसरे से मिलके? बहुत अच्छा, जब भी आपस में मिलते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ जी हाँ जी है ना नाना जी। आज तो नाना जी पहचाने नहीं जा रहे हैं, देखो दोस्तों आज तो पूरे नाना जी सूट बूट में। ये दो नाना जी और ये है हमारे तीसरे नंबर के नाना जी, नाना ससुर जी। नाना जी आप ऐसे कर दो एक बार। और ये हमारे चौथे नंबर के नाना जी, बोला नमस्ते जी। हाँ जी हाँ जी, अब तीन इकट्ठे हो गए, चौथे रह गए। अब टोटल कितने भाई है नाना जी आप? चार। अभी ज्यादा नहीं है। चार ही है, ज्यादा नहीं है। जो आगे आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो फिर भी चार हैं। हाँ जी हाँ जी, अब आगे आने वाले जो कभी थे कोई एक है कोई दो है, बस इससे ऊपर कोई नहीं। हाँ जी नाना जी। तो दोस्तों यहाँ पर सारे अभी बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि सभी प्रिपरेशन में बिजी, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड में आपको शोर आएगा उसके लिए सॉरी। तो बस अभी यहाँ पर ये है मेरे बुआई जी, बूजी, ये भी बुआ जी, और ये लगे मेरे चाची जी, और ये दादी जी, और इनसे तो आप मिल लिए, अभी ये खाना बना रहे थे मासी जी। A few minutes later. यहाँ पर हमारे मामा ससुर जी गड़े में पानी भरते हुए, मामा जी थोड़ा शर्माते हैं। मामा जी एक बार देखो, तो पहलो कर दो एक बार, ये तो
नहीं नहीं हाँ वो आप बोलना नहीं मामा जी ने बोला ना ये मेरे मामी जी मामी सास हाँ जी हेलो कर दो मामी जी आप बोलो अब अच्छा भाई हमारी बहू के चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो अच्छे थैंक यू सो मच कोई नहीं हम बनाएंगे जोड़ी यहाँ पर अब मामी जी बताएंगे मामी जी यहाँ क्या बना रहे हैं यहाँ पे बन रहा है हिमाचली चने का खट्टा अच्छा चने का खट्टा बन रहा है ये स्पेशल होता है ये हर फंक्शन में बनता है ठीक है बहुत ही अच्छा देखो गाँव आके मेरे को ये अच्छा लग रहा है इसे देखो मतलब ये ट्रेडिशनल वाला चूल्हा हाँ जी और ये है वंश मामी जी का बेटा हेलो कर दो हेलो कैसे हो आप मैं तो अच्छा हूँ आप लोग कैसे हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक तो जरूर करना थैंक यू सो मच हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं एक लाइक कर देना यस बिल्कुल सही बोला वंश ने अभी वंश हमें लेके जाएगा बाहर टूर है गाइड है गाइड बस अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे वंश मुझे इंट्रोड्यूस करा रहा है ये है याशिका याशिका हेलो कर दो हाय आप क्या कर रहे हो ये मेहंदी लगा रही हूँ अच्छा ये डिजाइन डाल रहे हो आप हाँ जी अच्छा खुद से पर बहुत अच्छा बनाया आपने वैसे फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा और मैं तो इतनी बुरी हूँ ना मेरे से मेरे को नहीं आती मेहंदी मुंदी लगानी चलो ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरे नानी सास लगे वो अभी यहाँ पर कुछ हवन की सामग्री तैयार करते हैं नमस्ते जी नमस्ते नानी जी अच्छा तो दोस्तों मैं बता दूंगी आज नाना जी और नानी जी ने व्रत रखा था उसी का ही उदापन है ना हाँ जी तो अभी आप क्या हवन की तैयारी कर रहे हैं ये हवन हवन हो गए ना बाहर हाँ जी हाँ जी मंडल में हाँ जी मैं उसकी पूजा करेंगे तो हवन अच्छा रात भर आज मतलब हवन होगा पूरी रात भर पूजा होगी अच्छा पूजा होगी फिर कल धाम होगी कल धाम होगी आई रात को रोटी होगी सुबह नाश्ता होगा अच्छा जी चलो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा अच्छा लगा ये अब मैं एक बार बाय बाय कर दो आप भी बाय वापिस मिलते हैं नानी जी से बात करके अच्छा लगा One hour later. बाकी सब तो अंदर फंक्शन में बिजी हैं तो अभी हमने सोचा कि हम यहाँ गांव में एक मंदिर है राधा कृष्ण जी का शिव जी भगवान का तो बस अभी हम वहीं पे जा रहे हैं दर्शन करने जल्दी आओ मम्मी जी बचपन में आप जाते होंगे ना उस मंदिर में हाँ बचपन में दोस्तों ये है यहाँ के गांव का हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र और इसके साथ ही आगे है एक स्कूल तो उसे भी देखते हैं कि यहाँ पे गांव के स्कूल कैसे हैं सभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ के मंदिर ये देखिए बहुत ही सुंदर है सच कहूँ ना दोस्तों गांव की ना एक अलग ही बात होती है बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये देखिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे को व्यू देखते हैं गाँव में यही तो देखने के लिए होता है गाँव का व्यू ये देखिए वाह कितना सुंदर लग रहा है ना वंश पता है वो पेड़ नहीं दिख रहा वो हाँ हाँ वो मेरी परदादी ने लगाया था आप वंश की बातें सुन रहे हो मेरी YouTube फैमिली वंश मुझे पूरा गाइड कर रहा है कि मेरे परदादी ने लगाया था मेरी परनानी ने लगाया था ये इन्होंने लगाया था नाना ने सारी बात ये देखिए पर व्यू देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर आप भी दर्शन कीजिए राम लक्ष्मण सीता के माता रानी जय श्री राम जय श्री राम और यहाँ पर है जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी और दोस्तों ये जो आपको सामने एक चोटी दिख रही है ना इस चोटी पे है माता आशा रानी का टेंपल माता जी का टेंपल है यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो ये यहाँ का पूरा व्यू है बहुत ही सुंदर और यहाँ पर ना दोस्तों ये देखिए ये जंगली खजूर खजूर के पेड़ है बस मैं थोड़ा नज़दीक जाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ इसमें छोटे छोटे खजूर भी लगे हैं तो ये देखिए दोस्तों नज़दीक से आपको मैं दिखाती हूँ खजूर का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए कि मतलब यहाँ खजूर होते हैं हमारे सेब होते हैं पीच प्लम आड़ू होते हैं यहाँ पर हमें खजूर देखने को मिल रहे हैं पालमपुर में तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के और ये दो मुझे अच्छे से गाइड कर रहे हैं ये देखिए दोस्तों गांव में पीपल का पेड़ मतलब यहाँ के ना मुझे पूरी जो टिपिकल गांव वाली है ना वो पूरी फीलिंग आ रही है ये देखिए इसका ट्रंक देख सकते हैं आप कितना बड़ा है इसका तना तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे यहाँ पर लोग बैठते होंगे और मंदिर में दर्शन भी करते होंगे तो अब जाएंगे हम मेरे मम्मी जो मेरी सासू माँ है उनके स्कूल
तो इसी मंदिर के साथ ही उनका स्कूल है जहाँ पर वो पढ़े हैं। तो अभी मम्मी बता रही थी कि ये हमारा स्कूल है। तो ये है दोस्तों वो स्कूल। तो दोस्तों ये है मेरे मम्मी जी का स्कूल। यहाँ पर मेरे मम्मी जी छोटे में पढ़ा करते थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो ये पूरा रेनोवेट हो चुका है, उस टाइम पता नहीं कैसा होगा, पर अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये गांव की लाइफ देख के। ये देखिए यहाँ पर बच्चों का प्लेग्राउंड छोटा सा है, बस ये कि एक अलग सी दुनिया लग रही है, अपने में ही एक दुनिया। यहाँ पर सभी काट रहे हैं पेठा। इससे क्या बनाएंगे? सब्जी। मैं चाहूँ कोई मीठा मुठा तो नहीं, खट्टा कद्दू। तो दोस्तों ये था, यहाँ पर था मम्मी उनका पुराना घर जो कि अब यहाँ पर नहीं है, ढेर हो चुका है। तो अब बस यहाँ पर जगह ही रही है। थोड़ा सा मैं इस साइड से आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे, यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ से परे तक कमरे हुआ करते थे, ये आंगन, और बस यहीं पे पले बड़े हुए हैं सारे, मामा जी मम्मी सब। तो दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये गांव की छोटी छोटी चीज़ें देख के, कि मम्मी का जो मायका है, असली मायका कैसा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सबने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माय ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ पक्की पहाड़। प्रियंगा राज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय दोस्तों, आई लव यू माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।